सलामु अलैकुम माई टू फैमिली, आप लोग कैसे हो। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मैंगो डेजर्ट की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए दो एकदम पका हुआ मैंगो चाहिए, और उसको अभी मैंने इस तरह से प्यूरी बनाया है एक से, और एक का मैंने इस तरह से छोटा छोटा पीसेस करके काट लिया है। तो और उसी के साथ हमें चाहिए केक, जो जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से फाइन बनाया है। तो केक का जो पीसेस है एकदम आप लोग देख सकते हो, मैंने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ इस तरह से बनाया है। और हमें चाहिए मिल्क। मिल्क मैंने यहाँ पे 2 कप मिल्क को मैंने हाफ कप से कम बनाया है, उसको एकदम गाढ़ा मिल्क चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, मीडियम सी गाढ़ा चाहिए। और मिल्क में थोड़ा सा मैंने शुगर डाल के उसको मैंने मिक्स किया है। और अभी एक बोल चाहिए हमें इस टाइप का। और सबसे पहले मैंने जो केक का क्रम हमने बनाया है सारा डाल दिया है, और चम्मच से अच्छी तरह से स्प्रेड किया है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। और ऊपर से जो मिल्क हमने गाढ़ा करके रखा है तो सारा मिल्क मैं इसमें डालूंगी, जितना ज़रूरत होगा उतना ही डालिए, इतना ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और इस तरह से मैंने जितना ज़रूरत लगेगा उतना ही मैंने डाला है। और फिर से मैंने चम्मच से स्प्रेड करके उसको ढक्कन लगा के फ्रीज़र में रखूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। और दूसरी साइड में और एक बोल में मैंने व्हिप क्रीम लिया है, और उसको अच्छी तरह से मैंने व्हिप किया है, बीट किया है। और उसके बाद यहाँ पे जाएगा जो मैंगो प्यूरी हमने बनाया है, उससे 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं बीट करूँगी। और इस अभी ज़्यादा बीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंगो प्यूरी डालने के बाद तुरंत ही मिक्स कीजिए, ताकि उसका जो पानी है वो छोड़ ना जाए। और यहाँ पर हमारा जो मैंगो क्रीम बन के रेडी हो गया है, कितना आसानी से मैंगो क्रीम हमने घर में बनाया है। और इसमें कुछ एसेंस वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लेवर मैंगो का होना चाहिए, तो फ्रेश मैंगो का मैं फ्लेवर दे रही हूँ, तो इसमें मैंगो एसेंस की ज़रूरत नहीं होगा। और दूसरे साइड में हमने इसको पाइपिंग बैग में डालूंगी। और हमारा जो केक हमने सेट होने के लिए रख दिया था फ्रिज में, वो भी निकाल लिया है। और मैंगो क्रीम मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में डाल दिया है, ताकि उसको डालने में आसानी हो और कोई मेसी ना हो। और यहाँ पे सारा प्यूरी क्रीम डालने के बाद जो सेट होने के लिए रखा था केक, उसके ऊपर मैंने पाइपिंग बैग से अच्छी तरह से डाला है। और अभी स्पेचुला से अच्छी तरह से स्प्रेड करूँगी, ताकि एकदम इक्वल हो जाए। तो मैं एकदम ईजी और बहुत ही सिंपल तरीका आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ों से हम इसको बना सकते हैं। और सेकेंड लेयर में हमने थर्ड लेयर में हमने यहाँ पे मैंगो जो पीसेस करके रखा है वही मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से कुछ इस तरह से करके मैंने सारा ऊपर से सेट करके डाल रही हूँ, और उसके बाद में बाकी का जो प्रोसेस है आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख के स्किप मत कीजिए। और यहाँ पे हमारा जो सारा पीसेस है वो डाल दिया है मैंने, बहुत ही अच्छी तरह से डाला है, ताकि एक एक बाइट में मैंगो का पीसेस मिले और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। और ऊपर से मैं फिर से यहाँ पर मैंगो क्रीम डाल दिया है, और उसको सेम प्रोसेस से स्पेचुला से स्प्रेड करूँगी, ताकि इक्वल हो जाए। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से लेयर हो गया है। अभी ऊपर में आप लोग डेकोरेशन के लिए बहुत सारा आइडिया है, तो आप लोग कोई सा जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगे उसी तरह से डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैंगो का जो प्यूरी है कुछ मैंने दूसरा पाइपिंग बैग में डाल दिया है, ताकि डालने में आसानी हो। तो इसको अभी मैं थोड़ा सा एक साइड में डाल दिया है, तो आप लोग चाहे जिगजैग करके भी डाल सकते हो, स्क्वायर में भी बना सकते हो। साइड में कुछ मैंगो का पीसेस डाल दिया है, और कुछ चेरीज डाल दिया है डेकोरेशन के लिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि इस तरह से आप लोग इजी तरीके से बहुत ही यम्मी डेजर्ट बना सकते हो घर में। और मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।